फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मैं हूं रीना और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक ब्यूटीफुल सा कारपेट जिसे मैंने बनाया है ओल्ड कपड़ों की हेल्प से। आप भी, आपके पास कैसे भी पुराने कपड़े पड़े हैं, उसका यूज करके बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूंगी और इसे आप अलग अलग तरीकों से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जैसे आप पहले भी मुझे प्यारी प्यारी कॉमेंट करते हैं, तो कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके लिए मैंने एक पुरानी पैंट ली है। अक्सर हमारे पास इस तरह की पुरानी पैंट पड़ी हुई होती है, तो ये मैंने एक फॉर्मल पैंट ली है। आप कोई भी पैंट ले सकते हैं। पैंट को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इस तरह की मैं एक प्लेट लूंगी और इसे मैं उल्टी रखूंगी और यहाँ पर मार्क कर लूंगी। अब इसे मैं कट कर लूंगी। तो ये मैंने कट कर लिया है और ये जो मेरा एक सर्कल है, इसकी चौड़ाई हो रही है 19 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम पूरी पैंट में से सर्कल कट कर लेंगे। आप इससे बड़े या छोटी साइज के सर्कल भी कट कर सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग एक पैंट में से मैंने 28 जितने सर्कल निकाल लिए हैं। ये कितने सर्कल निकलेंगे ये तो पैंट की साइज पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा पैंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये पेपर से एक स्क्वायर कट किया है जिसके इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर टच हो रहे हों। इसके जो चौड़ाई है वो है 13 सेंटीमीटर और इसके ये यहाँ से भी ये है 13 सेंटीमीटर। अब इसे हम इस सर्कल के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे सर्कल पर मार्क कर लिया है। अब हमें एक सर्कल के ऊपर इस तरह से सेकंड सर्कल को रखना है और ये जो हमने मार्क किया है वहां से हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सर्कल के ऊपर सर्कल को रखकर इस मार्क पर सिलाई कर लेंगे। तो ये टोटल मैंने इस तरह से 7 सर्कल को जॉइंट कर लिया है। तो जो हमने 7 सर्कल जॉइंट करके एक लाइन बनाई है, ऐसे मैंने टोटल 4 लाइनें रेडी कर ली है। अब देखिए, इसमें अगर आपका कहीं पे जॉइंट आ रहा है तो वो आपको इस तरह से ऊपर की साइड रखना है, यहाँ पीछे की साइड नहीं रखना है। अब हमें ये लाइनों को एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है। तो पहले मैं इसे इस तरह से रखूंगी, इसके ऊपर इसे हमें इस तरह से रखना है। ये दोनों राइट साइड इसके अंदर की साइड होनी चाहिए। अब इसे हम यहां से सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई करके ये दो लाइनों को जॉइंट कर लिया। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम एक और थर्ड लाइन को रखेंगे और यहाँ से इसे भी हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सीधा हमें इसे जॉइंट कर लेना है और इसी तरह से सेम हम आगे
इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर एक और लाइन रखकर इसे भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये यहाँ पर हमें इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर सिलाई करनी है, ये इस बात का ख्याल रख के पूरे में हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, ये सभी लाइनें मेरे इस तरह से जॉइंट हो चुकी है। ये आगे से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो हमारा स्क्वायर पीस था जिसे रखकर हमने ये मार्किंग किया था, उसे हम दोनों साइड से हाफ हाफ इंच या फिर 1 इंच जितना कम कर देंगे। मैं हाफ इंच कम कर रही हूँ दोनों साइड से। अब आपको इसका कोई भी कंट्रास्ट कलर लेना है, इसके लिए भी आप कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई सलवार है, कुर्ती है या फिर लेंगीस है, टी शर्ट है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसे मैं इस तरह से ये फैब्रिक को मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं इसे रखूँगी और इसे मैं कट कर लूँगी। इस तरह से ये हमारे 4 पीस एक साथ कट जाएंगे। तो ऐसे हमें टोटल 28 पीस कट कर लेने हैं, क्योंकि हमारे सर्कल भी 28 थे। अब हम ये एक पीस लेंगे और इसे हमें इस तरह से मिडल में रखना है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सभी के सभी इस तरह से ऊपर सिलाई करके पैक कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर साइड से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरे में हमें सिलाई कर लेनी है। और आप चाहें तो ये बाकी के लगाने से पहले, सबसे पहले आप यहाँ से फोल्ड करके सीधा सिलाई भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस साइड पे मैंने पहले सिलाई कर ली थी, तो ये भी आसान रहता है। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप पहले भी यहाँ साइड से सिलाई कर सकते हैं या फिर सारे लगाने के बाद यहाँ पर आप सीधी सिलाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी ये कारपेट पूरी तरह से रेडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है। अगर आप इसे इससे भी ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं, एज अ बेड शीट या फिर बड़ी सी कारपेट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो इसे आप और भी बड़ा बना सकते हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, उतना आपको ज़्यादा इसमें सर्कल ऐड करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 लाइन ली है सर्कल की और यहाँ से 7 लाइन ली थी, तो आप इसमें और ज़्यादा बड़ा दीजिए तो ये और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। और इसमें आप एक से ज़्यादा पैंट यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक पैंट का यूज़ किया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो आप इसे अपने पुराने कपड़ों का यूज़ करके बना सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगता है। आप इसे एज अ टेबल मैट, एज अ डोर मैट, फ्लोर मैट या एरिया रग या बेड शीट या टेबल मैट, कारपेट, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।